हमें इसका इतना विवरण देना उचित है कि नहीं मालूम नहीं है, मगर हां क्योंकि पाकिस्तान कभी भारत को एमएफएन स्टेटस नहीं दिया, ये भी हम रिकग्नाइज नेशन मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस जो आम तौर पर हर देश दूसरा को देते हैं, हमें कभी भी एमएफएन स्टेटस पाकिस्तान में नहीं दिया गया। और इससे पहले कितने भी कोशिश हुए कि फेयर ट्रेड हो, संबंध बरकरार रहे, उसका भी उससे पाकिस्तान से फेवरेबल रिस्पांस नहीं आए। मगर जब भारत में पुलवामा में इतने बेरहम अटैक होने के बाद हम भी धीरे धीरे हमारे ट्रेड रिलेशनशिप को इतना ओपन नहीं रखा, वही है उसके पीछे तत्व। 2013 में भारत फ्रजाइल फाइव में एक देश, वो फाइव कौन सा ऐसा देश है उस समय जो फाइनेंशियल क्राइसिस 2008-09 में हुआ उसके चलते हुए बहुत इकोनॉमी में डैमेज जिनको मिला, उन देशों के साथ हम भी एक देश बन गया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, ब्राजील। सो इन पांच देश में हम भी एक है, ये चार देश के साथ हम भी जोड़ा गया है क्योंकि हमारे इन्फ्लेशन डबल डिजिट में था और हमारे जीडीपी के ऊपर भी इतना असर हो गया और करप्शन, रैम्पंट करप्शन के वजह से जो पूंजी लेकर आए थे देश में वो भी वापस चलने लगे। हमारे इंडस्ट्री लीडर्स भी अभी कोई उम्मीद बचा नहीं है, इसीलिए इधर रहने से बेहतर है बाहर जाना, ऐसे करके छोड़कर बहुत सारे निकल चुके थे उस समय। सो आर्थिक व्यवस्था में कोई रिफॉर्म या सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस का कोई प्रयत्न नहीं था। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एकदम घट करके अमाउंट इतना नाजुक परिस्थिति में आ गया था, ऑब्वियसली आपके मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो बोलते हैं वो सभी इंडिकेटर में भारत वीक होगा, इसलिए वो फ्रजाइल फाइव। मगर उसके बाद जब 2014 में हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बना, एक एक करके उन सब को सही करने में फर्स्ट टू इयर्स में बहुत प्रयत्न हुआ। बैंकों का कहानी तो मैंने आपके सामने रखी, फिर हमारे एफडीआई पॉलिसी को बदला जिससे लोग तुरंत वापस आने में और इन्वेस्ट करने में बहुत ही स्पीडी रिस्पॉन्स मिला है। जीएसटी हमने ले आया, आईबीसी कोड ले आए जिससे बिजनेसेस का उनके अपने लीगल लिटिगेशन और लिक्विडेशन का प्रोसेस भी आसान से कर सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारे कदम उठाने के कारण फ्रजाइल फाइव से हम उभर कर बाहर आकर के आज हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतना कंफर्टेबल परिस्थिति में है। रूपी का फ्लक्चुएशन डॉलर के साथ होने के बावजूद भी, क्योंकि हमारे रिजर्व अच्छा है, हमारे इकोनॉमी के ऊपर रिस्पेक्ट है, लोग मानते हैं स्टेबल गवर्नमेंट है, पॉलिसीज में भी ऊपर नीचे नहीं है, इसीलिए स्टेबल गवर्नमेंट है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छा है, डॉलर के छोड़ करके बाकी सभी करेंसियों के सामने देखते हुए भारत के रूपी अच्छा स्ट्रांग रह रही है, सिर्फ डॉलर यूएस डॉलर के खिलाफ ही फ्लक्चुएशन है, बैंकों को हालत अच्छा हुआ है, इसीलिए इन्वेस्टर्स को लगता है भारत अच्छा स्ट्रांग परिस्थिति में है और हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ का इंडिकेटर्स भी, वर्ल्ड बैंक पूरा दुनिया का अमाउंट ग्रोथ नंबर को कम करने के समय हमारा भी कम किया, कम करने के बाद भी हम ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इस साल का और आने वाले साल का भी।